अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको सेल कराएंगे कि मरी नथिया गली। मरी नथिया गली पूरे पाकिस्तान से लोग हर साल स्याह बर्फ़ देखने के लिए मरी नथिया गली का रुख करते हैं। मरी नथिया गली में जब भी आप आएँ, लेकिन आप एहतियात करें और अपनी गाड़ियों की जो टायर हैं उनकी चेन लगाएं, और बर्फ़ में आप सफ़र बिल्कुल न करें, गाड़ी आपको फिसलने का ख़तरा हो सकता है। मरी में आप जब आते हैं तो यहाँ के आप बंदर देखते हैं, उनके लिए भी चीज़ें यहाँ पर लेकर आएँ। सर्दी में कुछ उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। बंदर जो यहाँ की खूबसूरती की पैदावार है और यहाँ के इलाके के लिए जो स्याह आते हैं उनकी तरफ देखते हैं कि वो हमें कोई चीज़ वगैरह डालेंगे। तो आप जब भी बाहर से हैं तो उनके लिए खाने पीने के लिए चीज़ें उनके लिए लेकर आएँ। मरी बहुत ही खूबसूरत इलाके है और ये पंजाब के बिल्कुल करीब लगते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से, इसलिए ज़्यादातर स्याह मरी का रुख करते हैं और मरी में आते हैं और यहाँ बर्फ़ से महफूज होते हैं और यहाँ बंदर को भी देखते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं बंदरों को देखकर। मरी नथिया गली बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इलाका है। यहाँ के मौसम सरमा के आखिर में दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी में बर्फ़ पड़ती रहती है। इसकी बनस्पत कागान, नरा और शुगरा बहुत दूर इलाका है, इसलिए ज़्यादातर लोग मरी नथिया गली का रुख करते हैं। लेकिन यहाँ के जानवरों का भी ख़ास ख्याल रखें और इनके लिए खाने पीने का साजो सामान साथ लेकर आएँ, क्योंकि बर्फ़बारी में इनके लिए कुछ भी साजो सामान यहाँ पे नहीं होता। ये आपके लिए दुआ देंगे। मरी बिल्कुल पंजाब इस्लामाबाद से बिल्कुल करीब पड़ते हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आएँ, वीकेंड मनाएं, छुट्टियाँ मनाएं। जिंदगी बसर कर रहे हैं। किधर बैठा? यहाँ पर ज़्यादातर स्याह जब आते हैं तो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं या गाड़ियाँ फिसल जाती हैं, जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है और घंटों घंटों फंस कर रह जाते हैं। इससे एहतियात कीजिएगा। शुक्रिया।